उज्जैन के चिमन बाग थाना क्षेत्र में करीब 3 महीने पहले एक परिवार आया और किराए का मकान लेकर रहने लगा। उक्त परिवार अलग अलग शहरों में रहकर फरारी काट रहा है। उक्त परिवार ब्रजेश श्रीवास्तव और उसके परिवार के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी और पैसे लेकर उत्तर प्रदेश से फरार हो गया था। कानपुर और अन्य शहरों में पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। कानपुर पुलिस इस जालसाज परिवार को ढूंढ रही थी। उत्तर प्रदेश के युवक उज्जैन कार में सवार होकर आए और कार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो वाला झंडा लगाकर मध्य प्रदेश से प्रवेश किया और उज्जैन जिले में आकर नवनीत उम्र 24 वर्ष के साथ मारपीट की और कार में बैठाकर उत्तर प्रदेश के लिए निकल पड़े। पुलिस ने घेराबंदी की और अपहरण कर ले जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।